बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का जब वक्त ना हो तो इस चैनल के जरिए आप छोटी छोटी क्लिप्स को भी बार बार देख सकते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस किताब में बहुत ज्यादा फोकस गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा आप प्लीज बताइए, व्हाट इज योर इनपुट। देखिए, कंपाउंडिंग जो है ना, हमारे माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम हुआ ही नहीं है। बाहरी रूप से तो कोई भी हमें कह दे कि कंपाउंडिंग बहुत ये चीज़ है, बड़े बड़े नंबर्स दिखा दे, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग ऐसा वायर है ही नहीं कि कंपाउंडिंग को अंदर तक समझ पाए। अगर समझ लेता तो इतनी सिंपल सी चीज़ क्या बाकी लोगों को समझ में नहीं आती। देखा जाए तो पता हर किसी को है कंपाउंडिंग के बारे में। पिछले 2 से 3 सालों में फाइनेंस के जो क्रिएटर्स है, हर कोई कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग सबका फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट वीडियो है, उसी पर चैनल चला रहे हैं, सबने वीडियो देखे हैं। तो क्या रीज़न है कि 90% लोग फिर भी ट्रेडिंग में लगे हुए, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं, इंट्राडे में गंवा रहे हैं, स्टॉक में उथल पुथल कर रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है? हमारे दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए बना नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर तक उस चीज़ को समझ पाते हैं। कंपाउंडिंग मतलब ये है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो हम आपको फ्री रख रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। तुम्हारा दिमाग इसको सहन करने के लिए बना ही नहीं हुआ है। और अगर ये समझ में आ जाती तो क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन इसको आठवां जुआ कहते हैं दुनिया का? करेक्ट, हाँ। क्यों कहा गया आठवां जुआ? कुछ सोच कर ही कहा गया होगा ना। तो बहुत खतरनाक चीज है। हम वॉरेन बफेट को दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर मानते हैं, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। अब उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में कितना रिटर्न पाया है? ईयरली 22% के आसपास। करेक्ट, हाँ। सिर्फ 22% के रिटर्न पर वो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर बने। अब एक और कैरेक्टर है, उन्होंने अपनी पूरी, मतलब बहुत जाने माने वो इन्वेस्टर और ट्रेडर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 66% का एनुअली रिटर्न अर्निंग किया है। okay. और काफी लंबे टाइम तक, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 66%। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की जो वेल्थ है उनसे 100 गुना ज्यादा है। सिर्फ एक रीजन है कि वॉरेन बफेट साहब ने अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से स्टार्ट की थी। और जिम साइमंस ने जो अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो 60 साल की उम्र के बाद स्टार्ट की है। तो फैक्टर कहाँ आया? सारा उम्र का, टाइम का, कंपाउंडिंग का। ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी आप इसे फील कर ही नहीं सकते, चाह करके फील नहीं कर सकते। मैं आप आकर के आपको बताऊं, आप इस बुक को पढ़ लेना, आप सर की वीडियो देख लेना सारी, आप चाह करके भी उसे फील एकदम नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वो सिर्फ आप पूरा माइंड अपना 25 साल बाद लगा दो, 30 साल बाद लगा दो, अपने आप को सारा वहां इमेजिन करो, तभी आप उसको थोड़ा समझ पाओगे। जो समझ गए ना उसके बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपका टाइम बहुत बच जाएगा उथल पुथल करने से। स्टॉक लिया बेचा, वो सबसे आप दूर हो जाओगे और कंपाउंडिंग पे आप बिलीव करके उस पर आप टिके रहोगे। जैसे इसमें किताब में भी बहुत सारा लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत बात की गई है। जी जी, कि भैया शॉर्ट टर्म जो आपने शुरू में भी बोला कि कुछ करना ही नहीं है, यू पुट मनी एंड यू वेट टू गेट इट मल्टीप्लाइड। वेट करते रहो कि वो मल्टीप्लाई होगा और आपको उसके मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे। अमेजिंग, वेरी गुड। और ये भी कहा जाता है ना कि वॉरेन बफेट साहब की 99% वेल्थ उनकी 65 साल की उम्र के बाद आई हुई है। तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट तो उसके बाद दिखा है। असली तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, बहुत करना पड़ेगा। पर ये बहुत करना पड़ेगा, वेट बहुत करना पड़ेगा, जिंदगी का क्या भरोसा, ये सोच करके बहुत लोग नहीं आते। और ये बोलने वाले लोग की जिंदगी का क्या भरोसा, वो भी 60-70 साल जी जाते हैं। तो फिर तब क्या सोचोगे आप, तब क्या कहने का आपके पास बचेगा? जिंदगी का भरोसा तो मैं यहाँ से स्टूडियो के बाहर जाऊंगा उसका भी नहीं है, अगले दिन का भी नहीं है। तो फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो हम तो नहीं करते हैं ये। करेक्ट, बिल्कुल सही, एग्री। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।